is for Gulmarg. Yes, it's nice. Awesome. Yummy. What a cheese. दोस्तों हम देखिए आगे हैं गंडोला राइड के लिए और गाड़ी ने हमें यहाँ छोड़ दिया है। अब हम लोग गंडोला राइड्स पे जा रहे हैं और दोनों राइड्स हमने ली हुई है। दोनों गंडोला के टिकट्स हैं। पहले मैक्सिमम वाली हाइट पे जाएंगे, उसके बाद आके हम लोग गेम्स करेंगे स्नो पे। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए गंडोला फेज वन की एंट्री हो रही है। हम लोग आगे हम लोग गंडोला फेज वन के लिए जा रहे हैं। पूरा स्नो ही स्नो है। देखिए बहुत खूबसूरत सीन। ये देखिए दोस्तों हम लोग गंडोला के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ऊंची गंडोला है ये दुनिया की। ये देखिए बहुत खूबसूरत, इसके अंदर हम एंट्री होगी, फिर वहाँ से छत गंडोला जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सब लाइन लगी हुई है, सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए अच्छा, अभी भी भीड़ है। अभी हम लोग मस्जिद लाइन में लगे हैं, हम अभी लाइट शुरू होने वाली है। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स तो हम लोग गंडोला में बैठ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल में एक घंटा तो हम लाइन में लगे, बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं। लेकिन आप खैर जी देखिए एट लास्ट हम लोग आ चुके हैं और अभी हमें हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यस दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। देखिए हम दोनों लोग यहाँ पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का एंजॉयमेंट है जो हम लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। कोरोना फेज वन में हम लोग को तरफ पे हैं। हाँ अभी इसके बाद बच्चे सब जो स्नो स्पोर्ट्स हैं वो करने जा रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग फेज टू पे जाएंगे। फेज टू पे जाएंगे, 3 o'clock तक फेज टू पे जा सकते हैं। तो हमारे पास अभी एक घंटा है, वो लोग एक घंटे में करके आ जाएंगे तो फिर हम लोग भी जाएंगे। और बड़ा मज़ा आ रहा है वाकई में कश्मीर। हाँ, देख के
बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम टर्की भी गए थे, उलूदा हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हिल स्टेशन था, अच्छा था, लेकिन वही मतलब स्नो में ढका हुआ हमने पूरा वहीं पे देखा था जो टोटली। वैसे तो मनाली पे भी गए थे हनीमून पे, लेकिन वहाँ पे एक आध स्पॉट था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। क्या कहने हैं कश्मीर के, बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोग को, तो दुनिया ही अलग है और ये इन्जॉयमेंट ही अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर आइए, ये विंटर्स में आने का अपना ही मज़ा है। लास्ट ईयर हम लोग समर्स में आए थे, अच्छा था, लेकिन इस दफ़ा तो वो अपना अलग एक्सपीरियंस था और ये अलग एक्सपीरियंस है। Yes, I think it's a wonderful experience. अगर आपको गुलमर्ग आना है तो आप जाड़े में आइए, गर्मी में गुलमर्ग में आने का कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग आए थे बट हम लोग को बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। पहलगाम इज द बेस्ट प्लेस फॉर समर आई थिंक इन श्रीनगर, और गुलमर्ग तो जाड़ों का ही जगह है, तो प्लीज़ आइए इसमें, आपको और सीन दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट जो है ये सेंट्रली हीटेड है, इसलिए आराम से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। You can see people are enjoying. मज़ा बहुत आ रहा है। हम लोग तो एक चक्कर काट के आ चुके हैं बर्फ का, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए हम लोग आराम कर रहे हैं। बच्चे गए हम लोग, बच्चों को मैंने दे दिया है अमाउंट कि तुम लोग जाओ घूमो फिरो मस्ती करो।